और इसी बीच बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा। और आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में अमरवाड़ा विधानसभा के सिंगोड़ी और हररई में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 1 बजे सिंगोड़ी पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद वो समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शाश्वत शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की। और शाश्वत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही हैं। देखिए बिल्कुल, अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का ये प्रश्न बन गया। आप देखिए, जीतू पटवारी लगभग 3 दिन तक छिंदवाड़ा के दौरे पर है और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण अमरवाड़ा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद निजी तौर पर अमरवाड़ा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं। और देखिए, नामांकन जब कम्प्लीट करता हुआ था तब भी मोहन यादव छिंदवाड़ा आए थे और आज मोहन यादव फिर छिंदवाड़ा आ रहे हैं। और देखिए, कमलेश शाह के समर्थन में आज वो अमरवाड़ा विधानसभा की सिंगोड़ी और अमरवाड़ा विधानसभा की हररई, जो कि कमलेश शाह का गृह क्षेत्र है, वहां पे दोनों जगह वो मुख्यमंत्री मोहन यादव सभा लेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका रोड शो भी हो सकता है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों से भी रोड शो का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखिए कि जो दोनों सभाएं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चुनाव को बहुत कम समय बचा है। तकरीबन 10 जुलाई को वोटिंग है, तकरीबन 10-11 दिन चुनाव को रह गया है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद निजी तौर पे इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और देखिए, अमरवाड़ा का जो चुनाव है, क्योंकि देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अभी जीत हुई है, उन्होंने जो कांग्रेस का 40 साल पुराना किला वो ढाया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अमरवाड़ा चुनाव को लूज नहीं करना चाहते कि कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा कि लोकसभा जीतने के बाद। तो आप देखिए कि जो स्थानीय सांसद है विवेक बंटी साहू और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उस गंभीरता से ले रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के भी नेता जीतू पटवारी 3 दिन तक छिंदवाड़ा में डेरा डाले थे, उन्होंने भी काफी चुनाव प्रचार किया और तकरीबन हर विकासखंड और हर गाँव को उन्होंने दौरा करने के लिए तय किया था। लेकिन आज देखिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है और आज देखिए दोनों जगह की सभा है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। अगर अमरवाड़ा विधानसभा की बात की जाए तो देखिए काफी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाश्वत, अगर हम जमीनी स्तर पर समझे लोगों के बीच, क्योंकि इस बार शाह वर्सेस शाह की लड़ाई देखने को मिल रही है, किस तरह का यहाँ पर सरगर्मियां दिखाई दे रही है लोगों के बीच, क्या कुछ यहाँ पर जमीनी स्तर पर? देखिए, लड़ाई अस्मिता काफी कांटे की होगी, क्योंकि कमलेश शाह तो एक मजबूत उम्मीदवार है ही, लेकिन कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है वो आस्था कुंड, जो एक आदिवासियों का पवित्र धाम है, जहाँ पे आदिवासियों की काफी श्रद्धा और आस्था है, तो वहाँ के जो सेवादार है, जो आस्था अचल कुंड है, उनकी जो सेवा कर रहे हैं काफी सालों से, तकरीबन 5वीं पीढ़ी के जो सेवादार है धीरन शाह अवनाती, उसको उम्मीदवार कांग्रेस ने यहाँ पे बनाया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक आस्था का कॉकटेल कांग्रेस ने मिलाया है। तो आप देखिए कि बिल्कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो काफी दिलचस्प ये लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, लोगों के बीच भी काफी ज्यादा इसको लेकर चर्चा बनी हुई है और आखिर क्या कुछ होगा इस चुनाव में, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाश्वत तमाम जानकारी देने के लिए।